धार्मिक उन्माद को फैला के भावना को भड़का के वोट लेना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। काला धन लाएंगे, आया तो एक छेदाम नहीं, यहाँ से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। तीन तीन पूंजीपति विदेश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फुस्का पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहेगा, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। आज देश का जितना मीडिया हाउस है, यहाँ जो साथी हैं हम उनको नहीं कर रहे, यहाँ जो मीडिया के साथी हैं वो तो मन मन समझ रहे होंगे कि सही है बोल रहा है, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है। उसमें व्यस्त रहती और धार्मिक उन्माद को फैला के भावना को भड़का के वोट लेना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबी हटाने से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों के कल्याण से, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से, उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। क्या किया उन्होंने आज तक देश में, इतने दिन से देश में शासन कर रहे हैं, आज तक क्या किया आपने? जो वादा किया 2014 में उसको भी आपने नहीं निभाया, आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहते। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे, आया तो एक छेदाम नहीं, यहाँ से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। तीन तीन पूंजीपति विदेश, उसमें क्या आपको क्या करना है? तो आपको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था अगर रहेगी समाज में, अगर समाज में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तो उनका तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसलिए वो आरक्षण के भी विरोधी, आरक्षण के विरोधी हैं। आप सबों को मालूम है 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बार के जो पंचायत के और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था, पंचायत के चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में भी उन लोगों ने षड्यंत्र करके हाई कोर्ट से जो आरक्षण व्यवस्था थी नगर निकाय के चुनाव में, उसको रुकवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी दृढ़ संकल्पित है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का काम के प्रति उनका लगाव रहता है, उनके काम के प्रति उनका समर्पण है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिना आरक्षण व्यवस्था के बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और इसलिए नगर निकाय का चुनाव हुआ और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। तो ये आरक्षण के भी विरोधी है। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं, आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है, और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। यह पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन इस अरे यार हल्ला मत कीजिए, इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। भाई 2014 में आप लोगों ने उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ ये आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया, और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है बिहार, सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उनके कदमों
से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग की के प्रति न्याय का प्रारंभ शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे, कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज का पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहेगा, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। आज देश का जितना मीडिया हाउस है, यहां जो साथी हैं हम उनको नहीं कर रहे, यहां जो मीडिया के साथी हैं वो तो मन मन समझ रहे होंगे कि सही है बोल रहा है, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है और उसके माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम करते रहते हैं। कभी कहेंगे मीडिया में देखिएगा, चार दिन तक चलता रहेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं, यही काम में लगे रहेंगे। कभी प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित करने का काम किया है, हम नहीं समझते कि कभी नीतीश कुमार जी के सपने में भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात होगी। अभी आए थे तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे, करते रहने दीजिए उनको, उनका काम यही है। मीडिया वालों को ये लगता है कि वो जो खबर दिखाते हैं उससे जनता प्रभावित होता है, उनको गलतफहमी है। कोई जनता प्रभावित नहीं होता है, जनता वास्तविकता देखती है और वास्तविकता को जनता ने पहचाना है कि देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया। इसलिए देश की जनता सतर्क है, देश की जनता उनके जुमला में अब नहीं फंसने वाली। अब ये देखिए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए वहां से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में, 2005 की अक्टूबर में नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। जेडीयू था 88, भाजपा था 55। 2010 में के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, आप मात्र 91 सीट जीते थे। और 2017 में जब फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में गए तो एनडीए की, नीतीश कुमार जी की और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की संख्या थी 71, आप थे 53। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था, कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ाकर, अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपका जो दिल्ली का शासन है
उसको 2024 में समाप्त कर देंगे, उसके बाद आप खत्म हो जाइए। तो इसलिए ये है इनका। एक और है, अरे भाई बीच में मत करिए ना आप। और उसके बाद एक और एक आध गो नेता है जो बहुत घाट का पानी पिए हुए, सब घाट का पानी पिए हुए है। पहले आरजेडी में, फिर जनता दल यू में, फिर जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम में, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ अगर सर उठा के थूकोगे तो तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी सूरज है, और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। तो इसलिए करते रहो, उसका कोई परवाह नहीं हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, चूंकि आप अति पिछड़े समाज का सम्मेलन है और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार जी की शक्ति है, आप नीतीश कुमार जी की ताकत है, अति पिछड़े समाज नीतीश कुमार जी की ताकत है, और नीतीश कुमार जी आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, कोई अन्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, आप सबों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और हर जगह नीतीश कुमार जी का झंडा बुलंद करिए, एकजुट रहिए। एक मुट्ठी जैसे बंद है, ये मुट्ठी अगर बंद है तो इसमें ताकत है, उसी तरह अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, उससे कोई समझौता नीतीश कुमार जी नहीं करने वाले हैं। और इसलिए इसके साथ साथ, चूंकि आज पटना में ये कार्यक्रम हुआ, और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमने इनको आग्रह किया एक हफ्ता पहले कि भाई 13 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करिए, और सब लोग मिलके इन लोगों ने आयोजित किया, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और इनसे फिर हम आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में दशहरा के बाद 1 नवम्बर से लेके 7 नवम्बर के बीच में सभी जिलों में ऐसा ही अति पिछड़ा सम्मेलन आयोजित करिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करिए, अभिनंदन करिए, और इस कार्यक्रम को बिहार के हर जिला में चलाइए। और इसी के साथ आप सभी साथी जो भी यहाँ आए हैं, आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।